हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में और नीति आयोग द्वारा दी गई स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, और जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स टॉप रैंकिंग पर हैं और कौन कौन से स्टेट्स को एजुकेशन के बारे में इम्प्रूवमेंट करना है ताकि उनकी रैंकिंग आने वाले समय में बेहतर हो पाए और हमारा देश का फ्यूचर उज्ज्वल हो। तो इस धारणा के साथ बिना टाइम वेस्ट करें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नीति आयोग है क्या। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, पर इसे रिप्लेस करके अब नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ है। नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग ने 30 इंडिकेटर जिसका वेटेज 965 मार्क्स था उसके बेस पर स्कूल को इवेल्युएट किया है। इसके अलावा नीति आयोग ने दो बड़े इंडिकेटर लाइक टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आउटकम है और दूसरा जो है वो है गवर्नेंस प्रोसेस एडिंग आउटकम। सो नीति आयोग ने इन दो ब्रॉड कैटेगरीज के बेस पे स्कूल को इवेल्युएट किया है। सो इसमें हम लोग पहले देखते हैं अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, जिसे हम आउटकम्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो है गवर्नेंस प्रोसेसिंग एडिंग आउटकम्स। सो इस अंडर द फर्स्ट कैटेगरी नेम्ड आउटकम्स, इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स जिसे हम कहते हैं अध्ययन के परिणाम की बेस पे, दूसरा है एक्सेस आउटकम्स जिसे हम कह सकते हैं पहुंच के परिणाम के, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज फॉर आउटकम जिसे हम बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं के परिणाम की बेस पर, और चौथा है इक्विटी आउटकम्स की बेस पर। वहीं हमारी दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है गवर्नेंस प्रोसेस एडिंग आउटकम्स, इसके अंतर्गत स्टूडेंट एंड टीचर की अटेंडेंस की बेस पर, नेक्स्ट टीचर की अवेलेबिलिटी की बेस पर, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एडिक्वेसी यानी कि प्रशासनिक पर्याप्तता की बेस पर, और लास्ट है और नेक्स्ट है ट्रेनिंग की बेस पर, और नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बेस पर यानी कि जवाबदेही और पारदर्शिता की बेस पे। इन सारे इंडिकेटर्स की बेस पर नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी की इंडेक्स की लिस्ट प्रिपेयर की है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें दिखाया गया है कि नीति आयोग ने हैज ऑलरेडी रिलीज्ड अ स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, और ये जो नीति आयोग ने रिपोर्ट प्रिपेयर की है ये 2016-17 की डाटा के बेस पे की है। अब इस लिस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है लार्ज स्टेट्स, दूसरी है स्मॉल स्टेट्स, और तीसरी है वो यूनियन टेरिटरीज। सो नीति आयोग ने क्या किया, इन्होंने तीन डिफरेंट स्टेट्स में इस लिस्ट को कैटेगराइज किया है, जिसमें पहली लार्ज स्टेट्स है, दूसरी स्मॉल स्टेट्स, और जो तीसरी है वो यूनियन टेरिटरीज की बेस पे। सो हम अब लार्ज स्टेट पे देख लेते हैं। लार्ज स्टेट में क्या है, केरला को टॉप रैंकिंग प्राप्त हुई है, वहीं स्मॉल स्टेट्स पे मणिपुर को टॉप रैंकिंग प्राप्त हुई है, वहीं अगर हम देखें यूनियन टेरिटरीज पे तो उसमें चंडीगढ़ ने पहली पोजीशन सिक्योर की है। अब चलते हैं हमारे टॉप फाइव लार्ज स्टेट्स तरफ, जिसमें केरला, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये हमारे टॉप फाइव लार्ज स्टेट्स हैं, जिसमें केरला की रैंकिंग टॉप पर है नीति आयोग की लिस्ट के अनुसार, और इसका स्कोर 76.63% है, 63 है, जबकि राजस्थान का स्कोर भी काफी अच्छा रहा है इस बार, इसका स्कोर 72.86 है। इसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात और आसाम का स्कोर भी 60-70 के बीच रहा। अब चलते हैं हमारे बचे हुए स्टेट्स के बारे में। तो इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा का स्कोर 50-60% के बीच रहा। अब बात करें अगर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर का, तो इसका भी स्कोर 40-50 के बीच रहा। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी का स्कोर सबसे कम है नीति आयोग की लिस्ट के द्वारा, इवन इसका स्कोर जम्मू और कश्मीर से भी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास थ्री और क्लास फाइव के स्टूडेंट की बात करें तो केरला के थर्ड एंड फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स बेटर हैं रीडिंग में, राइटिंग में और इवन मैथमेटिक्स में। इन द सेम पैरामीटर यूपी के स्टूडेंट वर्स परफॉर्मर है अकॉर्डिंग टू पैरामीटर सेट बाई नीति आयोग। अब बात करते हैं स्मॉल स्टेट्स की।
तो स्मॉल स्टेट्स में मणिपुर को टॉप रैंक हासिल हुई है जिसका स्कोर 68.76 है। इसके बाद त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, इवन नागालैंड ने भी बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। और सबसे लास्ट रैंक पे अरुणाचल प्रदेश जिसका स्कोर 24.64 है। अब चलते हैं यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग पर। तो यूनियन, जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें सबसे टॉप पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है उसे नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त हुई है जिसका स्कोर 82.9 है। अब बात करें दादरा नागर हवेली की, तो इसका स्कोर 58.99 है, जो दिल्ली से भी बेटर है। अब इसी लिस्ट में सबसे लास्ट पे लक्षद्वीप जिसका स्कोर 30.88 है। अब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का मेन मोटो जान लेते हैं। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का मेन मोटो है इंडिया में एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का मेन फोकस भारत में एजुकेशन को बढ़ाना है। और ये भी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब लर्निंग लेवल्स, एक्सेस, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए। एजुकेशन को भारत में कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए भी शिक्षा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के लोग 100% लिटरेट हो सके और आने वाली जनरेशन एक बेहतर भारत देख सके। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको आगे वाले समय में प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।